देखिए फ्रेंड, ये बारिश का मौसम, ये बेहतरीन मौसम, तेज़ बारिश लाहौर का बेहतरीन मौसम, और ऐसे मौसम में गुड़ वाले चावल अपना ही अलग ही मज़ा देते हैं। बहुत शानदार मौसम है। सुबह से शदीद गर्मी थी तो अभी इतनी अच्छी बारिश होना शुरू हो गई है, ये देखें बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो ऐसे मौसम में गुड़ वाले चावल तो फिर मस्त है और बनाने भी चाहिए। मेरे बेटे की फरमाइश थी कि आज गुड़ वाले चावल बनाए, मौसम अच्छा हो रहा है, तो मैं इसलिए अब फिर गुड़ वाले चावल बना रही हूँ और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मेरे बेटे ने कहा कि आज आप गुड़ के चावल बनाएं, तो आज हम बनाने लगे हैं गुड़ वाले चावल। ये हमारे पंजाबियों की फैमिली में बहुत फेमस जो है वो स्वीट डिश कह लें है या मीठा है, ये बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो चावल, ये बहुत अच्छे गुड क्वालिटी बासमती राइस है, आधा किलो ही गुड़ लिया है। जितने क्वांटिटी में चावल होंगे उतने ही क्वांटिटी में गुड़ जाएगा, क्योंकि चावल जो होते हैं वो फूल के डबल हो जाते हैं और गुड़ तो उतना ही रहता है, इसलिए ये डबल हो जाते हैं फूल के, तो गुड़ जो है वो फिर अगर आप कम लेंगे तो फीका पड़ जाएंगे, तो मीठा जो है वो मीठा ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी को मीठा कम पसंद है तो वो थोड़ा कम भी कर सकता है, मतलब ये 500 ग्राम चावल है, ये 500 ग्राम गुड़ है, तो अगर किसी को कम मीठा पसंद है तो वो 500 ग्राम चावल ले ले, 400 ग्राम गुड़ ले ले, लेकिन मैं इक्वल क्वांटिटी में ले रही हूँ कि मेरे घर में ज़रा अच्छा मीठा पसंद किया जाता है। ये कटा हुआ नारियल है, ये किशमिश है यहाँ पे क्वार्टर कप जितनी, ये 3-4 दाने इलायची के हैं, आधा कप मेल्टेड देसी घी है, ये देसी घी है। तो फ्रेंड, हम चावलों को भिगो देते हैं, गुड़ को कूट के इसको मेल्ट होने के लिए चूल्हे पे रखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये चावल यहाँ पे हमने भिगो दिए हैं अच्छे से धो के, अच्छे से ये धो लिया था, इनको धो के भिगो दिया। ये गुड़ हमने जो है ये छोटा छोटा तोड़ लिया है, इसको इसके अंदर अब ये 1 कप पानी है, हसबे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, आपने सारा नहीं डाल देना, पानी आपने इतना डालना है कि ये गुड़ गीला हो जाए। ठीक, ये आधा कप के करीब पानी चला गया, फ्लेम करते हैं ऑन। ये इसको आपने स्लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे इसको आपने रख देना है, ये गुड़ भी पानी बन जाएगा। इसका एक तार दो तार का शीरा नहीं बनाना, सिर्फ हमने इस तरह इसको पकाना है कि ये गुड़ मेल्ट हो जाए बस। फिर इस गुड़ को हम छानेंगे, इसके अंदर कोई मिट्टी, कोई तिनका, कोई मक्खी, कोई चीज भी निकल आती है, इसको छानना जरूरी है। देखिए, ये मेरे पास 1 कप पानी था, ये मैंने आधा डाला है। ठीक है, इसको कवर करके यहाँ पे हम छोड़ देते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तब तक हमारे चावल भी सेट हो जाएंगे, भीग जाएंगे, ये गुड़ का शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम इसका एक तड़का बनाएंगे, चावलों को बॉयल करेंगे, फिर आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड, ये गुड़ अच्छा सा मेल्ट हो चुका है, यहाँ पे पानी चावलों को बॉयल करने के लिए हमने पानी रख दिया है, ये पानी गर्म हो रहा है, ये गुड़ जो है ये अच्छा सा मेल्ट हो गया है, अब इसको हम छान लेते हैं। ये इसको छानना बेहद ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि ये जो गुड़ है ये गन्ने के रस का बनता है, तो गन्ना जो है वो जिस खेत में गन्ना होता है वहीं पे ही गुड़ तैयार होता है, ये ओपन एरिया में तैयार होता है, तो मक्खी मच्छर मिट्टी, ये देखें इसके अंदर से ये पत्ते पता नहीं किस चीज़ के या कोई चीज़ निकली है, इसलिए इसको छानना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये छान लिया हमने, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे और चावल बॉयल करेंगे। तो ये फ्रेंड, गुड़ के शीरे को हमने अच्छा सा छान लिया है, यहाँ छान के इसको अलग बर्तन में रख लिया, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, चूल्हा करेंगे ऑन, फ्लेम स्लो रखेंगे, यहाँ पे ये पानी बॉयल हो रहा है चावलों के लिए, इसमें जाएगा ये आधा कप घी, ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया फ्रेंड, ये थोड़ा सा बचाया है, पूरा नहीं मैं डाल रही, इसको गर्म होने देंगे।
शामिल कर देंगे हम चावल ये सारे। कुछ लोग फ्रेंड ये शिकायत करते हैं कि उनके चावल जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं, गुड़ के चावल सही कुक नहीं होते। तो फ्रेंड जब आप चावलों को बॉईल करें तो इसको आप 96-97% तक कुक करें, इसके अंदर कनी नहीं रहनी चाहिए। फिर बाकी जो 2-3% है वो दम में पक जाते हैं। तो अगर आप इसको 75% या 80% कुक करेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। आपने इसको 97% तक कुक कर लेना है, इसको बॉईल कर लेना है। ये हमारे पास है इलायची, इसको हमने तोड़ के छोटा छोटा कर लिया, वो जाएगी इसके अंदर। ये अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये जो शीरा है ये सारा इसके अंदर चला गया। ये इसका तड़का हो गया। आपने इसका फ्लेम ऑफ नहीं करना, आपने इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, इसलिए कि ये गर्म रहे, ये चावल उबलने तक ये ठंडा ना हो जाए। ठीक है, इसको अच्छा सा कर लेंगे हम साफ। आपने इसका चूल्हा बंद नहीं करना। ये चावल हम बॉईल करके इसका पानी ड्रेन करके फिर इसका दम लगाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा घी इसलिए बचाया फ्रेंड कि अगर चावल दम खोलने के बाद मुझे लगेगा कि अगर घी इसमें कम है, वरना तो ये सही होगा, अगर कम है तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। एक तो उसकी फ्रेश घी की खुशबू बड़ी अच्छी आएगी और दूसरा जो है वो इसमें एक शाइन पैदा हो जाती है चावलों में, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचाया है। अगर पूरा होगा तो आप ना भी डालें अगर आपको पूरा लगेगा तो। कुछ लोग फ्रेंड जो है वो गुड़ के चावलों का कलर बहुत डार्क पसंद करते हैं, तो डार्क चावलों के लिए जो है वो गुड़ पुराना जो है वो काला वाला गुड़ जो है वो लोग कहते हैं कि वो सही रहता है, ऐसी बात नहीं है। जो गुड़ है फ्रेंड वो 1 साल तक अच्छा गोल्डन रहता है, 1 साल के बाद जब वो पुराना हो जाता है, एक किस्म का वो एक्सपायर भी हो जाता है, तो उसका रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो वो जानवरों के खाने में काम आता है, भेड़ों बकरियों और जानवरों के खाने में काम आता है, या गांव में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हुक्के की चिलम भरने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, या फिर नया कोई तंदूर लगाए तो उसको पोचा देने के लिए वो यूज़ होता है, या जो बारबेक्यू की भट्टी है उसके अंदर उसका पोचा लगाते हैं। खाने के काबिल नहीं वो होता, इंसानों के खाने के काबिल नहीं है। अगर हाँ किसी को गुड़ के चावलों का डार्क कलर पसंद है तो वो फ्यू ड्रॉप जो है वो चॉकलेट फूड कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ आप हमेशा फ्रेश ही लें। टेस्ट तो सबका सेम होता है, लेकिन ये जो नया गुड़ है ये अच्छा गुड़ है, अच्छा गोल्डन कलर का खुशबूदार गुड़ लेना चाहिए, ना कि पुराना और काला। वो तो फिर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पता होगा कि जो काला पड़ जाता है वो गुड़ वो लोग नहीं खाते। ठीक है, अब इसको मैं 97% तक उबाल के इसको कुक करके इसका पानी ड्रेन करके फिर इसका दम लगाएंगे। देखिए फ्रेंड ये चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये देखें ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। फ्लेम इसका मैंने स्लो कर दिया है, ये पानी इसके लिए चावल नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ गया है सारा, इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। ये देखिए वो शीरे के नीचे भी फ्लेम अभी ऑन ही है, ये देखें ये सारा पानी यहाँ पे ड्रेन कर देंगे हम। चावल इसी पतीले में रहने चाहिए, ये सारा पानी हम इसका निकाल देंगे। इसको वापस लाएंगे इधर, ये शीरा हमारा गर्म है, इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे।
स्पैचुलर अपने हाथ में रखें, कोई चीज अपनी जाया ना करें। खाने पीने वाली चीजें अल्लाह की नेमतें हैं, इनको जाया नहीं करना चाहिए। ये सारा बर्तन आप अच्छा सा साफ कर लें। देखें ये चावल हमारे कुक हो रहे हैं। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे ये नारियल कटा हुआ, ये किशमिश। अगर आपको डार्क कलर पसंद है फ्रेंड, तो आप इसमें चॉकलेट फूड कलर यूज कर लिया करें, पुराना गुड़ ना यूज किया करें, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये अच्छे से हो रहे हैं कुक। इनका पानी खुश्क हो जाएगा, जब ये अंदर जो शीरा है ये थोड़ा खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। ये देखिए ये पक रहे हैं, ये बड़े अच्छे से पक रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो कि आपने गुड़ के चावल रेडी कर लिए हैं, आपने पका लिए हैं, आपने फिर उनका दम खोला है, दम खोलने के बाद आपने चावल चेक किए हैं, तो आपके चावल सख्त हैं, अच्छे से कुक नहीं हुए, खड़े खड़े बने हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगी आप? फिर उसके लिए भी एक बेहतरीन टिप है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपने 10-15 मिनट चावलों को दम पे रखने के बाद खोला है, तो आपने देखा है कि चावल तो अभी आपके सख्त हैं, ठीक है, फिर आप जो डबल दम लगा दें। डबल दम का मतलब है डबल रुमाल, एक दो रुमाल ले लें, साफ सुथरे, अच्छे साफ सुथरे रुमाल लेके उनको पानी में भिगो के निचोड़ लें। एक रुमाल ढकने के साथ लगाएं और एक रुमाल आप चावलों के ऊपर ऐसे सेट कर दें, दूसरा रुमाल जो ढकने के साथ लगाया वो उसको ऊपर दे के अगेन आप 15 मिनट के लिए दम दे दें। 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए चूल्हा आप तेज कर दें और 10 मिनट आप स्लो फ्लेम पे दम पे लगा दें, आपके चावल ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये बेहतरीन टिप है, चाहे पुलाव है, बिरयानी है, गुड़ के चावल है, जर्दा है, मतंजन है, सवैयाँ हैं मीठी, अगर कभी खड़ी रह जाएँ तो आप डबल दम लगा दें, बड़े अच्छे बन जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये पानी इसका खुश्क हो चुका है, शीरा खुश्क हो चुका है, नीचे फ्लेम जो है अभी हाई है, ये मैंने नीचे इसका तवा रखा है, फ्लेम फुल रखा है, ये ऐसे रुमाल जाएगा, इसके ऊपर आप ढकना लगा दें, ऐसे करके इसके ऊपर कोई वजन रख दें, ऐसे इसके ऊपर कोई वजनी चीज रख दें, ऐसे 5 मिनट के लिए फ्लेम हाई रहने दें, 10 मिनट स्लो फ्लेम पे, इसको 15 मिनट दम पे दे दें, बस। ये फ्रेंड यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम ये दम खोलते हैं, ये यहाँ फ्लेम करते हैं ऑफ। ये देखिए माशाल्लाह गुड़ के चावल हमारे बन के रेडी हैं, ये देखें खिले खिले चावल बने हैं और बहुत अच्छे गले हुए बने। ये देखें घी भी बिल्कुल मुनासिब है, पूरा है। हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह ये गुड़ के चावल बहुत अच्छे से हमारे खिले खिले बन के रेडी हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिए, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाए। ये देखिए बहुत मजे के बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखें माशाल्लाह ज्यादा इसमें ड्राई फ्रूट भी नहीं डालने की जरूरत होती, बस ये तीन चीजें ही काफी होती हैं। हमारे गुड़ के जो घी मैंने बचाया था वो मैंने बचा लिया, वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया फ्रेंड। ये देखें ये गुड़ के चावल बनके हमारे रेडी हैं। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।